general principles of human development are very really, you know we are discussing important to understand uh, human beings uh, development and uh, uh, growth patterns and uh, these principles basically uh, actually uh, provide us a very strong you know uh, framework or a platform a platform to understand that uh, how humans grow and uh, uh, we, we, if we understand these principles then we can guide our children very well and uh, we will not uh, you know uh, make mistakes to develop our children so principles are important in the regard that uh, they provide us the base base for the to understand the developmental issues and developmental patterns and developmental uh, times requirements and expectations

अपने बच्चों को बंद करके रखें और कहें कि बड़ी अच्छी उनकी तरबियत हो रही है तो जब वो बड़े होकर माशरे में निकलेंगे तो उनको माशरे के साथ एडजस्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम पेश आती है तो इसलिए जो अक्लमंद वाले हैं वो अपने बच्चों को सोशलाइज़ कराते हैं स्पेशली फैमिलीज़ के साथ टर्म्स बनाते हैं अपने नेबर्स के साथ जो है वो आना जाना शुरू करते हैं और अच्छे जो नेबर्स हैं और जो बच्चे हैं अपने बच्चों को उनके साथ सोशलाइज कराते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि जब वो बच्चों के साथ खेलेंगे तो उन्हें पता चलेगा कंपटीशन क्या होता है और कोऑपरेशन क्या होता है और बच्चों के साथ खेल में जो लड़ाई होती है उसको किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो बच्चे सीखते हैं सोशलाइजेशन से तो ये सारी चीज़ें जो एक सोसाइटी डिमांड करती है किसी भी ह्यूमन बीग से उसकी तरबियत जो है वो घर से शुरू हो जानी चाहिए इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन जो हैं अब ये कहाँ से शुरू होती हैं इसको यहाँ लफ्ज़ दिया गया है एक्सपेक्टेशन के लिए डिवेलपमेंटल टास्क अब डिवेलपमेंटल टास्क जो है वो क्या चीज़ है डिवेलपमेंटल टास्क अराइज़ मेनली एज अ रिज़ल्ट ऑफ़ फ़िज़िकल मेचोरेशन फ़िज़िकल मेचोरेशन जैसे जैसे होती है तो डिवेलपमेंटल टास्क यानी कि आपके काम जो हैं वो डिफ़रेंट uh, होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं जब छोटे बच्चे थे तो तब उनके डिवेलपमेंटल टास्क या उनकी एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की जो थी वो कम थी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके रोल्स डिफरेंट होते जाते हैं और वो माशरे में जो उसने अपना रोल प्ले करना होता है वो वो मुख्तलिफ होता जाता है अब बच्चे को माशरे के हर रोल के लिए तैयार करना पेरेंट्स का भी काम है और टीचर्स का भी काम है तो इसलिए इन तमाम मुख्तफ़ किस्म के जो उसके किरदार हैं बच्चे के माशरे के लिए उसकी तरबियत करना जो है ये बड़ा मुश्किल काम है बच्चे जो हैं उनकी तरबियत यकीन कीजिए मुश्किल काम है क्योंकि बच्चे को उस माशरे की पसंदीदा फ्रेमवर्क के मुताबिक तैयार करना जो है उसकी सारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ को बच्चे के अंदर जो है वो डिवेलप करना ये काफ़ी मुश्किल काम होता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो आगे से रिफ्यूज़ कर सकते हैं वो आपकी बात मानने से इनकार कर सकते हैं तो फिर पेरेंट्स के पास क्या ऐसी तरीका होना चाहिए जिसके साथ वो अपने बच्चों को जो है वो अपने डिज़ायर्ड पैटर्न ऑफ़ पैटर्न्स जो है पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के मुताबिक तैयार कर सकते हैं तो ये डेवलपमेंटल टास्क को कहते हैं कि जैसे जैसे फिज़िकल मेचोरेशन होती है नए चैलेंजेस सामने आते हैं और उस चैलेंजेस के साथ साथ बच्चा जो है कुछ तो बच्चे जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो खुद बहुत से अपनी सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करते हैं और ख़ुद बहुत अपने आप को एडजस्ट भी करते जाते हैं लेकिन कुछ बच्चों को ख़ास किस्म की गाइडलाइन की ज़रूरत होती है अपने पेरेंट्स की तरफ से क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से बच्चे जो है वो बिहेव डिफरेंटली करते हैं माशरे में तो हर एक बच्चा जो है वो माशरे की एक्सपेक्टेशंस का वैसे जवाब नहीं दे सकता जैसे कि, कि उस पहले वाले बच्चे दे रहे होते हैं तो हमें बच्चों के इन इंडिविजुअल डिफ्रेंसिस को सामने रखते हुए उसके डिवेल्पमेंटल टास्क के लिए तैयार करना या माशरे में किरदार प्ले करने के लिए तैयार करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है हर बच्चे की इंटेलिजेंस हर बच्चे के एप्टीट्यूड और हर बच्चे के मिजाज के मुताबिक जो है उन डेवलपमेंटल टास्क के लिए बच्चे को तैयार करना बड़ा ज़रूरी है अब उसके बाद है फॉर्म द कल्चरल प्रेशर्स ऑफ सोसाइटी अब देखें हम लड़कियों को कहते हैं जी आपका घर से बाहर जाना जो है वो हर वक्त अच्छा नहीं है सोसाइटी क्या कहेगी लोग क्या कहेंगे तो कुछ सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं जिसके साथ अपने अपने बच्चों को उन नॉर्म्स को सिखाना पड़ता है अब बॉयज़ को भी सिखाया जाता है कि आपने बाहर जाके लड़ाई नहीं करनी आपने ग्रेशन नहीं दिखाना आपने ट्रैफ़िक रूल्स को फॉलो करना है आपने अपने मुशरे की वो तमाम चीज़ें जिसको हमारी सोसाइटी पसंद करती है उनको फॉलो करना है आपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो ये एक बे, बेसिकली सोसाइटी हमें जो है वो प्रोवाइड करती है गाइडलाइन के क्या प्रेशर्स हैं प्रेशर्स का लफ्ज़ हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी की तरफ से हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे जो अफराद हैं इस माशरे के वो इस तरह से बिहेव करेंगे जो भी सोसाइटी के जो है वो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं इसके बाद आउट ऑफ द पर्सनल वैल्यूज़ एंड एस्पायरेशन ऑफ द इंडिविजुअल अब एक इंसान के पर्सनल फैक्टर्स होते हैं पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके मुताबिक वो अपना रोल प्ले करता है सोसाइटी के अंदर अब एक इंसान जो पॉजिटिव है वो यकीन डिसिप्लिन को फॉलो करेगा तमाम सोसाइटी के जो नॉम्स हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा लेकिन जहाँ पर एक नेगेटिविटी होती है बिहेवियर के अंदर तो हर नॉम को वो बच्चा कहेगा कि मैं तो वो बगावत करेगा और कहेगा मैं तो उसको तोड़ना पसंद करता हूँ ये सोसाइटी ठीक नहीं है ये जो हमारा सिस्टम है ये बड़ा गलत है तो ये चीज़ें जो हैं ये पर्सनल कुछ उसकी कैपेसिटी और एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की वजह से जो आती हैं इसके ऊपर भी फोकस करना पेरेंट्स का काम है उनको सोसाइटी की नॉर्म्स और डिसिप्लिन से मोहब्बत सिखानी चाहिए बहुत अपने घर से बाहर निकल के पूरे मुल्क के प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाना चाहिए कि आपकी ये सारी चीज़ें जो मुल्क की हैं ये आपकी अपनी चीज़ें हैं इसलिए इनको तोड़ने पोड़ने की बजाय इनकी मेंटेनेंस और इसको आपको मज़ीद मुल्क की तरक्की में जो है वो हिस्सा डालना चाहिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी डिमांड करती है एक फ़र्द से और उस फ़र्द को उन एक्सपेक्टेशन के लिए तैयार करना जो है वो पेरेंट्स और टीचर्स का काम है फिर डिवलपमेंट हैज़ पोटेंशल हैज़र्ड्स अब देखिए जैसे बच्चा मेचोर होता है तो एक हैज़र्ड ये होता है कि मेचोरिटी के साथ साथ बच्चा जब अपने लेवल्स क्रॉस करता है ग्रोथ के चाइल्डहुड से वो जाता है टीन ऐज में तो टीन ऐज और इस तरह से चाइल्डहुड के जो दो ये वाले पीरियड्स जैसे जैसे चेंज होते हैं वैसे वैसे उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं पर्सनल एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन वो बढ़ती जाती हैं तो हैज़र्ड्स का मतलब ये है कि ये फिज़िकल इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल जो हैं वो हैज़र्ड्स हो सकते हैं फ़िज़िकल हैज़र्ड्स में जो है वो मेचोरेशन की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है बच्चों में कोई प्यवर्टी जैसे आती है तो अब एक बच्चे की लेट प्यवर्टी है एक की जो है वो जल्दी मेचोरेशन हो जाती है उससे भी बच्चे को पर्सनल बड़े जो है वो डिप्रेशन आता है एनजाइटी होती है तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं और मेचो ये नॉर्मल है कहने का मकसद ये है कि जो प्रिंसिपल्स हमें डेवलपमेंट के जो बात बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं बच्चों की जैसे जैसे डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है तो उनके अंदर जो है ये वाली चीज़ें मेचोरेशन के नतीजे में ये चीज़ें जो है पैदा होती हैं उस एनजाइटी और मेचो जो डिप्रेशन है वो वक्त के साथ उम्र के साथ इन्वायरमेंट के सा, इंट्रैक्शन के साथ जो है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होते जाते हैं तो इसलिए इनके ऊपर बजाय बच्चे को आप सख्ती से निपटें बच्चे के साथ मोहब्बत का आपने सलूक करना है कि हर डेवलपमेंटल जो स्टेज आती है उसके तकाज़े मुख्तलफ होते हैं उन मुख्तु तकाज़ों के मुताबिक अपने बच्चे को ट्रेन करना जो है ये पेरेंट्स और टीचर्स का काम है कि वह बच्चे को गाइड करें किऐसी अनहोनी तुम्हारे साथ नहीं होगी अगर तुम्हारे फिज़िकल चेंज ये आ गया है या इन्वायरमेंट में तो मैं कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा सोसाइटी तो ये कोई अनहोनी नहीं है आप अपने जो बिहेवियरल जो पैटर्न्स हैं उनको अगर आप तब्दील करेंगे तो सोसाइटी की तरफ से आपके लिए एक्सेप्टेंस आएगी तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन जो है इसके बीच में से बच्चे को निकालना जो है ये भी हमारे पेरेंट्स और टीचर्स जो है उनको उनका काम है तो ये जो हैज़र्ड्स जिस जो बच्चों को फेस करने पड़ते हैं फिज़िकल और इन्वामेंटल और साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल में लो कॉन्फिडेंस एन्जाइटी डिप्रेशन लो सेल्फ़ इस्टीम ये सारे उसके अपने पर्सनल जो है फैक्टर्स uh, होते हैं इनको ओवरकम करना जो है वो भी पेरेंट्स को सिखाना चाहिए उसको बच्चे को री करना चाहिए उसको काम करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए उसको कहना चाहिए कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू यू कैन डू एवरी इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चे की तरबियत में जब शामिल होती हैं तो वो डिवेलपमेंटल हैज़र्स जितने भी होते हैं उसको वो ओवरकम कर लेती हैं